योर इंडियन कंज्यूमर। नमस्ते, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आप की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा फिलिप्स ड्यूरा पावर BT3221 इफ ट्रिमर को। इस बॉक्स में इस्तेमाल किया गया 90% मटेरियल रिसाइकल्ड है। बॉक्स की दूसरी बाजू आप एक और लेबल देख सकते हो जिसपे ट्रिमर की MRP मेंशनड है, पर यह ट्रिमर आपको अमेजोन पे 1999 रुपए का मिल जाएगा और इसकी बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यूनिक सी पैकेजिंग है, अंदर की बाजू आपको ब्राइट ब्लू कलर मिलता है। फिलिप्स उन कुछ गिने चुने ब्रांड्स में से है जो कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं। इन छोटी छोटी बातों का अगर मैन्युफैक्चरर ध्यान रखे तो हमारे एनवायरनमेंट पे बड़ा इंपैक्ट होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि फिलिप्स इस चीज का ध्यान रख रहा है। बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज आपको मिलेगी वो है यूजर मैनुअल और वारंटी सर्टिफिकेट। जैसा कि वारंटी सर्टिफिकेट में बताया गया है, ये प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी के साथ आता है, पर अगर आप इस ट्रिमर को फिलिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करा लें तो आपको एक और साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, यानी कि पूरी 3 साल की वर्ल्ड वाइड वारंटी के साथ आता है ये प्रोडक्ट। ऑनलाइन प्रोडक्ट रजिस्टर कराना भी बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको फिलिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रिमर की बॉडी पे दिया गया सीरियल नंबर डाल के आपको आपका प्रोडक्ट रजिस्टर कराना होगा वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे ट्रिमर का सीरियल नंबर है 1908, तो ये मैं डाल देता हूं वेबसाइट पर। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट के इनवॉइस का प्रूफ डालना होगा वेबसाइट पर। ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी के डिटेल्स मिल जाएंगे। अगली चीज जो आपको बॉक्स में मिलेगी वो है एक चार्जिंग अडाप्टर। चार्जिंग अडाप्टर के साथ जो केबल दी गई है वो 6 फीट लंबी है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा चार्जिंग अडाप्टर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अडाप्टर की जो चार्जिंग पिन है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। अगली चीज जो आपको बॉक्स में मिलेगी वो है कैरिंग पाउच। पाउच पे आपको फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। पाउच का जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट है। 2 स्प्रिंग बटन लॉक्स दिए गए हैं, तो किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की है यहाँ पर। पाउच की ओवरऑल बनावट और इसका मटेरियल हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बॉक्स में आपको अगली बहुत जरूरी चीज मिलेगी वो है क्लीनिंग ब्रश। ट्रिमर्स को साफ करने के लिए ये ब्रश बहुत काम में आते हैं, तो इस ब्रश को घुमाइएगा मत। अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज जो आपको बॉक्स में मिलेगी वो है ट्रिमर। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर ले तो ट्रिमर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, ये काफी हल्का भी है, सिर्फ 210 ग्राम वजन है इसका। ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट के साथ आता है, तो इसे इस्तेमाल करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कोम की बनावट भी काफी अच्छी है, काफी अच्छे ग्रेड का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है इसमें। इसे किस तरह से अटैच करते हैं और ये कैसा परफॉर्म करता है, ये आगे वीडियो में हम देखेंगे। अब ट्रिमर को नजदीकी से देख लेते हैं। ट्रिमर के ब्लेड पे ये एक स्टिकर लगा हुआ था जिसपे कि ट्रिमर के क्लीनिंग के बारे में आपको पिक्टोरियल इंडिकेशन मिल जाएगा। सिल्वरिश ग्रे और ब्लैक कलर अधिकतम आपको दिखेगा इस ट्रिमर पर, और कहना पड़ेगा वाकई ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है प्रोडक्ट। बहुत ही ठोस, मजबूत और सॉलिड बनावट है इसकी। सामने की बाजू आपको ये एक यूनिक टेक्सचर्ड फिनिश मिलती है, और उसी तरह की डिजाइन आपको जो नीचे जूम व्हील दिया गया है उस पे देखने मिलेगी। जूम व्हील का जो टेक्सचर्ड हिस्सा है वो रबर कोटेड है। जूम व्हील पर दी गई सिल्वर रिंग पर आपको एडजस्टमेंट सेटिंग की नंबरिंग देखने मिलेगी। ये जूम व्हील आपको 0.5 mm की प्रिसीजन के साथ 20 कोम सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। जूम व्हील के नीचे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन। उसके नीचे अगर आप देख ले तो आपको एक LED इंडिकेटर लाइट मिलता है। ट्रिमर के राइट साइड पर आपको फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने मिलेगी। नीचे की बाजू आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट। पीछे आप ट्रिमर का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर देख सकते हैं। ट्रिमर की पिछली बाजू एक यूनिक सी डिजाइन आपको देखने मिलेगी, जिसके कारण इस ट्रिमर को पकड़ने में एक बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है आपको। इस ट्रिमर की सबसे बड़ी खूबी है इसका ब्लेड। ये ब्लेड सेल्फ शार्पनिंग टाइप का है और टाइटेनियम कोटिंग के साथ आता है। इस ब्लेड की एक खूबी ये है कि बहुत ज्यादा तेज होने के बावजूद इसके जो दांत हैं वो राउंडेड टिप्स के साथ आते हैं, यानी कि वो नुकीले नहीं है। इसके कारण आपको त्वचा पे कट्स नहीं आएंगे। ब्लेड को ओपन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इस तरीके से आप ब्लेड को ओपन कर सकते हैं। ब्लेड पे इस्तेमाल किए गए स्प्रिंग्स, प्लास्टिक पार्ट, मोटर हेड, इन सभी छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स की क्वालिटी भी हमें काफी अच्छी लगी। कोम की बात कर ले तो इसकी डिजाइन भी काफी यूनिक है। इस यूनिक डिजाइन के कारण ट्रिमिंग करते समय बाल लिफ्ट किए जाते हैं, जिसके कारण ट्रिमिंग फास्ट और एक्यूरेट होती है। इस चीज को हम बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं आगे वीडियो में। कोम ट्रिमर पे आसानी से अटैच हो जाता है, किसी तरह का प्रेशर लगा के या दबाकर आप इस कोम को हिला नहीं पाएंगे। इसे अगर आपको सेट करना है तो जूम व्हील का इस्तेमाल करना होगा। कोम को लगाना और निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ट्रिमर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छी तरीके से किया गया है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि इस ट्रिमर को टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दाढ़ी काफी बढ़ाई है और 3 अलग अलग सेटिंग्स पे मैं ट्रिम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस ट्रिमर को डालने वाला हूँ 3 mm की सेटिंग पर। दाएं गाल पर मैं 3 mm सेटिंग के साथ ट्रिमिंग करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो काफी यूनिफॉर्म ट्रिमिंग कर रहा है ये ट्रिमर। जो कटे हुए बाल है वो कोम में आप ऊपर की बाजू जमा होते हुए देख सकते हैं, उसके बावजूद ये ट्रिमिंग काफी अच्छी कर रहा है। कोम से बाल साफ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है।
कोम्ब आसानी से डिटैच होने के कारण आपको इस्तेमाल करते समय जब कोम्ब को बार बार साफ करना पड़ेगा तब आपको किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब मेरे बाएं गाल पे मैं 6mm सेटिंग पे ट्रिमिंग करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 6mm सेटिंग पे भी ये काफी इवन ट्रिमिंग कर रहा है। अब कोम्ब निकाल के नेकलाइन देने की कोशिश करूंगा मैं। इस ब्लेड के जो राउंडेड दांत है उनके कारण नेकलाइन, चीक लाइन, साइड लॉक्स की डिटेलिंग, मूछ की एडजस्टमेंट, ये सभी चीजें आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। शायद ही किसी ट्रिमर को इस्तेमाल करके इतनी अच्छी नेकलाइन में दे पाया हूँ आज तक। तो रिजल्ट आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा मैंने 6mm सेटिंग पे ट्रिम किया है और दूसरा हिस्सा 3mm सेटिंग पर। मैंने कई सारे ट्रिमर्स इस्तेमाल किए हैं और कहना पड़ेगा ये ट्रिमर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये काफ़ी छोटा और हल्का होने के बावजूद काफ़ी पावरफुल है। इसके जो ब्लेड हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। ब्लेड की दांतों की टिप्स राउंडेड हैं जिसके कारण आपकी स्किन को किसी तरह का इरिटेशन नहीं होगा। ओवरऑल इस ट्रिमर का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। काफ़ी इवन और स्मूथ ट्रिमिंग देता है ये। ट्रिमर को साफ करने के लिए ब्लेड को ओपन करके आपको दिए गए ब्रश को इस्तेमाल करके साफ करना होगा। इस ब्लेड को आप धो सकते हैं पर ट्रिमर का जो मोटर वाला हिस्सा है उसे आप पानी में नहीं डाल सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ब्लेड वॉशेबल होने के साथ साथ मेंटेनेंस फ्री भी है तो आपको इस ब्लेड को किसी तरह की ऑयलिंग करनी नहीं पड़ेगी। कोम्ब को भी आप पानी के नीचे आसानी से धो सकते हैं। इस ट्रिमर में आपको LED बैटरी इंडिकेटर मिलता है जो कि बैटरी लो होने पर ऑरेंज कलर में ब्लिंक करता है। इस ट्रिमर की एक और खूबी ये है कि बैटरी खत्म हो जाने पर तुरंत इसे चार्जिंग पे लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। चार्जिंग पे लगाने पर आपको ग्रीन कलर का स्लो ब्लिंकिंग LED लाइट देखने मिलेगा। ये ट्रिमर 6 फीट की चार्जिंग केबल के साथ आता है तो चार्जिंग पे लगाकर आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये ट्रिमर आपको लो बैटरी, MT, चार्जिंग और बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाने पर इंडिकेशन देता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आप इस ट्रिमर के बारे में हमसे पूछे तो कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अच्छी बातों से। सबसे पहले इस ट्रिमर की बिल्ड क्वालिटी, जो ओवरऑल मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। फिर वो टाइटेनियम प्लेटेड सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स हो, जूम व्हील हो या कोम्ब हो या ओवरऑल जो प्लास्टिक बॉडी है उसकी बात कर लें, सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ट है। ट्रिमर पे जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो भी इस ट्रिमर को एक बहुत ही रिच लुक देते हैं। दूसरी खूबी होगी इस प्रोडक्ट की डिजाइन। सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स के दांतों की टिप राउंडेड है जिसके कारण आपको स्किन पे किसी तरह के कट्स नहीं आएंगे और इरिटेशन नहीं होगा। उसके अलावा इस ट्रिमर को आप आपके बॉडी के सेंसिटिव हिस्सों पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जूम व्हील और कोम्ब की कॉम्बिनेशन वाली जो डिजाइन है, उसके अलावा जो कोम्ब की अपनी डिजाइन है जिसके कारण वो एक बहुत ही इवन ट्रिमिंग देता है, ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। इस ट्रिमर की डिजाइन बहुत ही ज्यादा अर्गोनॉमिक है, यानी कि इसे इस्तेमाल करते समय आपके हाथों में ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होगा। उसके अलावा आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी आपकी उंगलियों पर और ओवरऑल इस्तेमाल करते समय आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक और चीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगी वो है इस ट्रिमर की बैटरी लाइफ। फिलिप्स की ड्यूरा पावर टेक्नोलॉजी सच में कमाल है। 1 घंटे की चार्जिंग के साथ आपको मिलेगा 90 मिनट का रन टाइम। उसके अलावा बैटरी खत्म हो जाने पर तुरंत चार्जिंग पे लगाकर आप इस ट्रिमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रिमर पे आपको बैटरी इंडिकेटर भी देखने मिलता है जो कि ऑरेंज और ग्रीन इन दो कलर्स में जलता है। बैटरी लो, MT, चार्जिंग और पूरी तरीके से चार्ज हो जाने पर अलग अलग इंडिकेशन देता है ये इंडिकेटर। परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले तो ये सबसे बड़ी खूबी है इस ट्रिमर की। ये ट्रिमर आपको एक बहुत ही इवन और स्मूथ ट्रिमिंग का एक्सपीरियंस देता है। इन सभी खूबियों के अलावा ये प्रोडक्ट फिलिप्स की 3 साल की वर्ल्ड वाइड वारंटी के साथ आता है जो कि सोने पे सुहागे वाला काम करती है। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, अब बात कर लेते कुछ बुरी बातों के बारे में। एकमात्र हमें जो बुरी बात इस प्रोडक्ट में लगी वो ये है कि ये प्रोडक्ट वाटरप्रूफ नहीं है। इस ट्रिमर का ब्लेड वाला हिस्सा जो है उसे आप पानी के नीचे धो सकते हैं पर जो बॉडी है उसे आप गीला नहीं कर सकते, तो इसका ध्यान रहे। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोडक्ट को देना चाहेंगे 8.5 out of 10। अगर आप एक प्रीमियम ट्रिमर खरीदना चाहते हो जो कि आपके साथ सालों साल चले तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर कंसिडर करिएगा। अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हम इस प्रोडक्ट का गिव अवे लेके आए हैं। गिव अवे में पार्ट लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है और नीचे कमेंट्स में कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हम ये ट्रिमर क्यों दें। सभी कमेंट्स में से एक रैंडम कमेंट पिक करके हम विनर डिक्लेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा।
बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय।